गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन अभी ब्लॉग। हम लोग अभी जा रहे थे मेला, चूंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है। बाबू भी रेडी है, मेला वाला ड्रेस दिखाओ बाबू। शोर इंडस्ट्री एवरीवन, शर्म आ रही है, मेला में जाते जाते शर्म आ रही है, दिखाओ। चूंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो सिटी में काफी अच्छे अच्छे फेयर लगे हुए हैं, तो हमने सोचा कि एक बार विजिट करके आते हैं। मेला घूमना तो मुझे वैसे भी बचपन से बहुत अच्छा लगता है। कसपटे बस्ती में कहाँ लगा है? कसपटे बस्ती में लगा है मेला। कसपटे बस्ती में मेला लगा है। आपको मेला घूमना अच्छा लगता है? बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है। बाबू को भी बचपन से आदत डालते हैं। आ जाओ, पहले कहाँ निकलेंगे? ब्लूरिस या वहाँ मेले में? पहले मेला घूम लेते हैं। अच्छा, वो ना नजदीक में पड़ेगा ना, पहले वही पड़ेगा। हाँ। चुके हैं और ये मेला है पहुंचते बाबू का। ये देखिए क्या स्टंट हो गया, बाबू को भूख लग गई बहुत तेज, याँ 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 करके पीना है। पहले पेट टैंक फुल कर लो, फिर मेला देखेंगे हम लोग। मेला वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, मेला बहुत छोटा ही है, लेकिन क्या है ना कि मेला अगर नाम ही कान में आ जाता है ना कि मेला लगा मेला लगा हुआ है, तो वो बचपन से ही है कि मेला जाते हैं मेला जाते हैं। और मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही है, मेरे से ज्यादा ये बोल रहे थे मेला लगा है, मेला चले क्या, मेला चले क्या। उसी माहौल में रहा हूँ बचपन से, तो वो आदत बनी रहती है, कहीं भी मेला दिख जाए तो यार बनता है मेला घूमना। बचपन से मेला आ गया, मेला देखते हैं। अब वो बड़े बड़े झूले दिखे तो और भी मेला का आनंद दुगना हो जाता है। इसको देखो, ये कौन सा मेला है भाई। चलो फिर अंदर मेला में चलते हैं, बाबू को दूध पिलाने के बाद, और फिर वहाँ कुछ बातें करते हैं, कुछ सीन्स दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं अंदर में मेला में क्या चल रहा है। उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं है, पर जाना तो बनता ही है। मेला हम पहुँच चुके हैं, ये रही चटकी वाली झूला, गुल 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 गुल। हम इस पे चढ़ेंगे क्या? बाबू को लेके नहीं चढ़ सकते ना, इस पे तो नहीं चढ़ेंगे। बाबू को लेके इंजन ट्रेन पे चढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या। अंदर ही बहुत सारे झूले होंगे ना, चलो पहले चलते हैं अंदर। सुनो, फेयर का नाम भी है गोल्डन एंटरटेनमेंट। ये तो गोल्डन एंटरटेनमेंट। अंदर चलो, अंदर चलो, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। कितने अच्छे अच्छे शॉप लगे हुए हैं यहाँ पे, ये तो देखो, ये देखो, हम झूला के बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। बाबू का शॉप है ये ना, तो देखूंगी। डोरेमोन, बाबू का डोरेमोन, बाबू का। और ये भी है सर्कल सर्कल, वो ड्रम वाला। अल्लाह मांकी कितने का है ये वाला? ये 100 का। अच्छा, 100 का है ये वाला, बताओ एक बार मुझे, स्प्रिंग डाल के यहाँ रख के बताना। अरे वाह, बाबू के लिए एकदम सही है। सही है, आजकल बहुत इधर उधर करती है, चुपचाप देखती रहेगी ना, सही है ना ये। और एक बार वो भी बताना करके, एक बार वो कलरफुल है थोड़ा, लेकिन वो डिफरेंट दिख रहा है ना, इसका टेडी डिफरेंट दिख रहा है। बैग लाना तो सही है। ब्लू ले लो या पिंक ले लो? ये ब्लू वाली दे दो ना। कहाँ है हम? मेला है बाबू, ये देखो। हम सोच रहे हैं किसी ट्रेन पे बैठने के लिए बाबू को लेके, जिसपे बाबू भी कंफर्टेबल हो, लेकिन अभी तक ऐसा हमें कुछ झूला दिखा नहीं है जिसपे बाबू भी कंफर्ट फील कर सके। ये सब झूले तो काफी बाबू के लिए, उसको चक्कर आने लगेगा ना, उसका सिर घूमने लगेगा। और ये वाला तो वैसे भी राउंड राउंड होता है। एक सेकंड देखते हैं ना, उस पर मैं बैठूंगी, उस पर मैं बैठूंगी, उस पर एक सेकंड। हाँ, ये वाला सही है, देखो वो, ये वाला बाबू के लिए ठीक रहेगा। आपका टिकट काउंटर किधर है? टिकट काउंटर ठीक है, ये रेट्स है ना 50 रुपीज।
इसकी टिकट तो नहीं लगेगी ना, बाबू की नहीं लगेगी ना। हाँ ठीक है, हाँ दोनों जन बैठते हैं, हम दोनों बैठ सकते हैं ना, बैठ सकते हैं। चलो फिर ले लो, दोनों का टिकट ले लो, दो टिकट निकाल दो भैया। इधर से घुसता है, कितने देर में कटोगे टिकट, जल्दी बताओ। टिकट कट चुका है, हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। और भैया टिकट क्या दे रहे हैं, इधर से या अंदर से आके दो? रास्ते के रास्ते, कितने देर में काट देंगे टिकट हमारी? फाइनली लाइफ की टिकट मत काट देना भैया, ट्रेन की काटना। इधर से अच्छा एंट्री भी तो ऐसा बना रखी है। मैं तो इस बैठू बाई, ये तो एकदम फिल्म की शूटिंग जैसी ट्रेन दिख रही है। भाग सिमरन भाग, सिमरन नाम भी है, जा सिमरन जा। हम अपनी जिंदगी जीने जा रहे हैं। मैं घुस सकता हूँ कि नहीं यार, बहुत छोटा है मेरे लिए तो यार। फाइनली मैं भी बैठ ही गया, उम्मीद नहीं थी कि मैं अट पाऊंगा भैया। एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाना, हमें रील्स बनानी है। अरे स्टार्ट हो गई। ट्रेन जैसे चल रही है, थोड़ा सा माहौल बना हुआ है डीरेलमेंट का, ऐसा लग रहा है कि डीरेलमेंट भी पॉसिबल है। सबको बाय बोलो, हम जा रहे हैं, हमारे दादी को बोलो दादी हम आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं। और ठीक हुआ तो भी बोलो, ठीक हुआ तो बोलो, डीरेलमेंट हुआ, हम आ रहे हैं विशाखापट्टनम, आ रहे हैं विशाखापट्टनम, ऐसी वाली ट्रेन। बाय बाय पूजे, निकल गए हैं बलिया के लिए। बाबू को भी शायद काफी मजा आ रहा है। बहुत मजा है। अच्छा इसकी हॉर्न भी एकदम ओरिजिनल ट्रेन जैसी है ना? पूरी इंडियन रेलवे की हालत जैसी इस ट्रेन की भी हालत है। जब भी रेलमेंट हो जाए कोई गारंटीड नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे ट्रेन हिट रही है। मैं तो सजेस्ट करूंगा जो आगे आए वो अपने इंश्योरेंस वगैरह प्लान लेकर आए, क्योंकि बहुत बुरा हाल है इस ट्रेन का। सबसे बड़ी बात इस ट्रेन की पता है क्या है? इसका रास्ता खत्म ही नहीं रहा, बस राउंड राउंड। आपको पता है सिर्फ 50 रुपए भी हम इतने मजे से घूम रहे हैं। 50 रुपए में हम फर्स्ट क्लास एसी से ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा महसूस है एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 50 रुपए में हम पुणे टू बलिया पहुंच चुके हैं, पूरे 2000 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, हमारा स्टॉप आ चुका है एंड हमें उतरना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है, काफी एंजॉय किया है पर हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बाबू ने भी किया। वेलकम टू इंडिया, लंदन से फाइनली इंडिया की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू। अभी हम बैठने जा रहे हैं इंजन ट्रेन पे, इंडिया में ही इंजन ट्रेन है तो एक बार हम कनेक्टिंग ट्रेन बनारस से बलिया। दिखाओ बाबू को, बाबू वी आर ऑन इंजन ट्रेन, इंजन ट्रेन। मोदी जी के बुलेट ट्रेन पे बैठ चुके हैं। थैंक यू मोदी जी। पुरानी ट्रेन की एक्सपीरियंस हम भूल जाए इस नई ट्रेन की, नई ट्रेन से। हाँ इंडिया में फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन। भैया चालू कर दीजिए जल्दी। हेलो, बुलेट ट्रेन पे बैठ चुके हैं, इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन जिस पे हम कितने लकी हैं कि हम फर्स्ट टाइम उस पे ट्रेवल कर रहे हैं। आई होप नॉर्मल ट्रेन से ज्यादा मजा आया इसके, है ना? थैंक्स टू मोदी जी, थैंक यू। वाह मोदी जी वाह, अच्छे दिन आ गए, फिर से अच्छे दिन आ गए, है ना? बाबू को भी दिखाओ, बाबू एक बार बोलो अपने व्यूअर्स को, बोलो अच्छे दिन आ गए। कनेक्टिंग ट्रेन है, हमने वाराणसी से कनेक्टिंग ट्रेन लिया है और ये बुलेट ट्रेन हमने लिया है। थैंक यू मोदी जी बुलेट ट्रेन के लिए, काफी बेहतरीन ट्रेन चल रही है, डिरेलमेंट की कम शिकायत दिख रही है इसमें। ट्रेन की थोड़ी थोड़ी फट भी रही है ऊपर चढ़ाव में, अप एंड डाउन है। हाँ, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं
बलिया स्टेशन कनेक्टिंग ट्रेन से बुलेट ट्रेन हमने काफी एंजॉय किया है। घर तक जाने के लिए देखते हैं क्या मिलता है। बुलेट ट्रेन वाकई मजेदार थे यार, बहुत मजा आया। थैंक यू बुलेट ट्रेन से, बहुत मजा किया। काफी बेचैन दिख रही है और वाकई बुलेट ट्रेन का ना जो एक्सपीरियंस था माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगा चढ़ के। कम्फर्टेबल थी बाबू, हम इंजन ट्रेन पे चढ़ गए। लेकिन इसके अलावा देखो बच्चों के लिए ये भी सारे झूले हैं, क्योंकि बाबू अभी इतनी बड़ी नहीं है, मुझे नहीं लगता उसको कम्फर्ट होगा चढ़ने में। और इसके लिए पापा के साथ नहीं चढ़ सकती है कि पापा चढ़ेगा तो सारा झूले तोड़ देगा, टूट जाएंगे। अगर पापा चढ़ गए ना तो सारे झूले टूट जाएंगे। एक तो पापा का वेट, दूसरे बाबू का फ्लैश। बाबू एक्चुअली इतना छोटा है ना कि उसको इस पे लेके बैठने में भी डर लगता है। आप इस पे भी नहीं बैठ पाओगे ना, ये भी कार टूट जाएगी ना बैठोगे तो। नहीं नहीं, बच्चों के लिए इसमें हट ही नहीं पाऊंगा मैं। ये हमारे जैसे बड़े, हमारा बाबू जब बड़ा हो जाएगा ना तब हम उसको कार में बैठाएंगे, बिल्कुल बैठाएंगे। अभी रुकना पड़ेगा बाबू को बैठाने के लिए, कई सारे मेला का इंतजार करना पड़ेगा। एक साल की हो जाएगी ना तो हम बैठाएंगे। इधर दिखाओ एक बार, मजे किए ना बुलेट ट्रेन में। बाबू बाबू अपने मुँह फाड़ रहा है, शायद बाबू को गोलगप्पे खाने हैं। वैसे हम लोगों ने अब झूला झूल लिया, बहुत सारे इंजन ट्रेन पे चढ़ गए, अब हम चलते हैं शॉपिंग वाले सेक्शन में, है ना। yes. शॉप भी लगे हुए हैं, डेकोरेशन की चीजें हैं, लेडीज सेक्शन, लेडीज सेक्शन मेरे सेक्शन पे चले तो देखते हैं। हाउस होल्ड की बहुत सारी चीजें हैं। आ जाओ बाबू पापा के साथ। मेरा सेक्शन आ गया बैंगल्स। आने के बाद खाने पीने का मन तो करता है, चटपटा सा, तो चटपटा का शॉप हमें दिख चुका है। इधर है स्प्रिंग पोटैटो, स्प्रिंग रोल और क्या क्या है, बट देखो ना आप क्या क्या है।
देख के मुंह में यार, देख के मुंह में पानी आ रहा है। पोटैटो स्वीट कॉर्न है, फिंगर चिप्स है। मेला आने के बाद चाटना तो बनता ही है, पुराना आदत है, बचपन की आदत है। बचपन से ही अगर मेला गए तो वही चाट, समोसे, पकौड़ी, जलेबी, तो मेला का एक मीनिंग तो वही होता है। बचपन की आदत छोड़ी नहीं है, छोड़े नहीं है। हाँ वही चीज, चाटना तो बनता ही है। चलो एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, तो एक बार खा के एंजॉय करेंगे। अभी क्या फ्रेश निकालेंगे आप? हाँ, गरम वाला। ओके, एक तो एक प्लेट कर दीजिए। चिली पाउडर ज्यादा मत ऐड करना भैया, है ना? या तीखा मत बनाइएगा, ठीक है ना? तीखा बनाएंगे तो फिर ये खा नहीं पाएंगे, ऐसे कुत्ते कुत्ते भाग जाएंगे मेले से। तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। तीखा बनाया तो पता चला इंसान यहाँ से गायब हो जाएगा। बाबू उठ गया, बाबू उठ गया। स्वीट कॉर्न के टाइम पे बाबू जग गया। देखो हम बहुत सारा मेला घूमे, हम तो सो रहे थे। स्वीट कॉर्न अभी रेडी हो रहा है, जल्दी बना के दे दो भैया, नहीं तो एक जन के मुंह से पानी अभी गिरने ही वाला है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्वीट था बाबू की तरह, कितना अच्छी आए, चुचू चुचू, इंजन ट्रेन पे चढ़े, स्वीट कॉर्न खाया, बहुत सारी शॉपिंग भी की, किया ना? बोलो। चलो अब हम शूटिंग करेंगे। चला लेंगे तो भैया, बड़ी चीज़ है ना? नहीं तो पता चला पूरा हमारा टिकट बेकार गया। यहाँ पे शूटिंग चल रही है, इंडिया के इकलौती स्नाइपर यहाँ शूटिंग करते हुए। आज हम ट्रेनिंग लेने आए उससे। शूटर थोड़ा इधर भी देख लो, डूब फोड़ दिया, क्या बात है, झुट्टी। यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, अभी जाके चेक करूंगा ना कितना फोड़ा है। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है यहाँ, बैलून एक भी नहीं फूट रहा है। क्या बात है, जहाँ ज्यादा भीड़ है ना वही। हाँ, इंडिया के इकलौती स्नाइपर ही है। लेकिन इस पे कुछ प्राइस भी होना चाहिए, बस खुशी मिलेगी। बंदूक ले जाओगी? भैया बंदूक ले जाने देंगे तुमको? इधर इधर भी थोड़ा देख लो, इधर देख लो। अरे नहीं नहीं भाई, आंखों फोड़ोगी क्या? मेरे सेट का टकला फोड़ो और लेके जाओ। अच्छा ये आपका सेट है? भाई सच में आंखों फोड़ दोगी तो इधर उधर मत करो। इस मेले में जीतते हैं सबसे। स्कूटी पे ऐसे ही भरोसा उठ चुका है, बंदूक पे भी भरोसा उठते जा रहा है मेरा। लग रहा है बैलून के बदला में मुझे ही न मार दिया जाए। हाँ स्कूटी भी बहुत इजी होता है, एक बार इधर भी भिड़ा, पूरा पूरा हिल ही घिस जाते हैं स्कूटी पे इधर। हाँ क्या बात है, खत्म। ओके वेल डन, वेल डन। चलो वेल डन, वेरी नाइस। आइए ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हमारे सामने खड़े। वेरी नाइस, वेल डन। मैं बस मजे करूंगी, आप बस पेमेंट करते चलो। पेपर में कल नाम छप जाएगा आपका, आपकी वाइफ ने इतना अच्छा शूट किया है। मेला का टाइमिंग हो चुका है और सारी चीजें क्लोज हो रही हैं, क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, चूंकि इट्स ऑलरेडी 10:30, 10:30 बज चुके हैं। तो 10:30 के बाद म्यूजिक लाइट ये सब मेला अलाउड नहीं है। मेला में हमने बहुत मजे किए, बहुत मजे किए, स्वीट कॉर्न खाया। और क्या खाया? बस चाटा हमने, चाटा।
हाँ वही वही मेला वाला जो होता है ना चटपटा सा, वो खाया, शूटिंग किया और फिर इंजन, सबसे बड़ी चीज इंजन पे घूमे हम, इंजन ट्रेन पे, इंजन पे कह रही हूँ मैं, इंजन ट्रेन पे घूमे। मेला तो काफी अच्छा है, बहुत मजा आया। हमने कुछ शॉपिंग भी की और फाइनली बाबू को भूख भी लगी, बाबू का भी क्लोजिंग टाइम हो गया, तो चलते हैं मेला को करते। बाय 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 करो मेला को, बाबू को भी बाय करो। ओ देखो लाइट भी ऑफ हो गई, देखो क्लोजिंग के साथ लाइट भी ऑफ हो गई, बट हमने बहुत मजे किए। चलो बाबू को भी भूख लग गई है, चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। मेला खूब इंजॉय किया, वैसे हमें मेला में काफी मजा आया और हमने स्वीट कॉर्न खाया, इतना अच्छा लगा। कुछ शॉपिंग की, बाबू के लिए खरीदा, ड्रम वाला मंकी खरीदा, मैंने अपनी ड्रेस खरीदा, इन्होंने मेरे लिए बैंगल्स खरीदे, मैं किसी दिन पहन के दिखाऊंगी। एक इसमें मैं बताऊंगी नहीं, अभी सरप्राइज रहेगा, ठीक है, कि कौन से कलर का। वैसे तो आपने ब्लॉग में देख ही लिया कौन सा कलर लिया है मैंने, बट इन्होंने बोला कि तुम बैंगल्स ले लो, तुम पे अच्छा लगेगा, तो मैंने ले लिया। और एक ड्रेस भी दिलाया इन्होंने, बहुत सुंदर सा ड्रेस है, थैंक यू। इंडिया के इकलौती स्नाइपर। हाँ मैंने तो गन भी पाया, फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ा था, बट बहुत इजी था शूट करना, ढाई किया, शूट कर दिया है ना बाबू। अगले टाइम से पीएम मोदी के काफिले में ये भी दिखेंगी। हाँ मैं पीछे ही रहूंगी, मुझे ही मिलेगी सिक्योरिटी। मैंने बहुत अच्छा शूट किया, लेकिन सच में आपने देखा क्या, मैंने अच्छा शूट किया, बस में से दो बैलून मिस हुए। वो बैलून वाले भैया ने जानबूझ के पास में बैलून डाल रखा था कि किसी को दुख न लगे कि मैंने तो एक भी बैलून फोड़ा नहीं, नहीं वो गलती से किसी न किसी बैलून पे निशाना जाना ही है। बिल्कुल नहीं है, वो उसका डिस्टेंस जो था, नहीं तो इनके जैसे शूटर बाज लोग। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से वो दूरी पे था, बस मैंने शूट किया। ये शूट की तारीफ नहीं कर रहे, ये बोल रहे बैलून वाले भैया, मैं तो झूठ की तारीफ कर रहा हूँ इनके। आप सबने भी देखा कि डिस्टेंस कितनी थी, मैंने अच्छे से शूट किया ना, आप मुझे कमेंट करके बताना मैंने अच्छे से शूट किया है। और आई थिंक आप लोगों ने हमारे साथ मेले में मजे किए, एंजॉय किया। अगर आप लोगों को मेला पसंद आया हो, बाबू ने भी देखो बाबू भी कह रहा है कि अगर आप लोगों को मेला पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आप लोगों ने हम लोगों के साथ एंजॉय किया हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाना है ना, और साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाबू बोल दो कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे बाबू के साथ, है ना। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बाय।